लेंगे तो भी माइंड में गॉल्गी काफी याद है। गॉल्गी अपैरेटस किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले कैमिलो गॉल्गी ने, ठीक है ना। जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि याद कर, जब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस लिखे थे तो हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब हर सेल ऑर्गेनल के बाहर कौन होगा? एक मेम्ब्रेन होगा जो उसको दूसरे सेल ऑर्गेनल से या फिर उसको साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा होगा? सेपरेट कर रहा होगा, ठीक है। सो व्हेन वी स्टडी गॉल्गी अपैरेटस हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल। वेसाइकल मतलब क्या होता है? बोरे जैसे बैग्स, बोरे समझते हो, फ्लैट होते हैं। जैसे ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और ये ऐसे 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 गॉल्गी अपैरेटस रहेंगे। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर parallel to each other in stacks called cisterns, in stacks called cisterns, ठीक है। ये तो है गॉल्गी अपैरेटस क्या होता है, आई बात समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो बेटा इसका फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन तो क्या होता है? स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग, सिस्टर्न, CISTERNS। एक के ऊपर सपोज ये, अरे हाथ से ये देख, दी दी ये हाथ दिख रहा है इसका, ठीक है, ये समझो ये बोरा है, फ्लैट पड़ा है। दीदी एक और बोरा रखा हमने, तो एक और बोरा, ठीक है ना, नहीं दीदी, फिर एक और बोरा रखा, फिर एक और रख रहा, हम डाली नहीं दीदी। ये जो अरेंजमेंट है स्टैक्स में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। जैसे हमको बोरे ऐसे रखने थे, कैसे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर सिस्टर्न्स बेटा, CISTERNS, सिस्टर्न्स, ठीक है, ठीक है, CISTERNS, हाँ जी बोले, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होगा? सबसे पहला फंक्शन इसका होगा क्या? स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग एंड पैकेजिंग। बहुत सारी ऐसी मटेरियल जो कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो कहाँ बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। उनको ये क्या करता है? पैक कर देता है। कुछ चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तो मॉडिफाई कर देता है, ठीक है ना, और स्टोर भी करता है। और इसके बाद इतना ही नहीं करता, ये डिस्पैचिंग का काम भी करता है। क्या करता है? डिस्पैचिंग मतलब इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स। व्हेन आई से इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर अंदर ही घुमाएगा। अच्छा इसको वहां का वहां पहुंचाना है, पहुंचा देते। अच्छा इसको सेल के बाहर पहुंचाना है, हाँ पहुंचा देते, ठीक है ना। तो इसका एक फंक्शन तो क्या होता है? स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग, जो भी मटेरियल कहाँ बन रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? डिस्पैचिंग मतलब जहाँ पर आपको जो जो सामान भेजना है ये क्या करता जाएगा? भेजता जाएगा, ठीक है ना। इसका तीसरा फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स, ठीक है, फॉर्मेशन। अच्छा एक फंक्शन इसका ये भी होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो हम लोग इसके जस्ट बाद अभी पढ़ेंगे। तो वो भी कौन बनाता है? हमारा गॉल्गी अपैरेटस बनाता है। और लास्ट सिंपल कॉम्प्लेक्स शुगर्स, शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। चलिए आगे देखो, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लाइसोसोम्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स। अभी हमको चाहत बताएगी आगे का है। चाहत, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि सेल के जो पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसको
एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लिया। फिर क्या होता है उसको, इसलिए सुसाइड बोलते हैं, डाइजेस्ट कर लिया तो सुसाइड। मतलब और जब पूरा सेल भी डेड हो जाता है तब भी अपने एंजाइम्स को बोल सकते हैं, बोल। एक मिनट में रिकॉर्डिंग रोक दूँ। इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट सिस्टम। डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज उसके पास क्या होता है, ये सबसे पहली बात, क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड विथ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर कौन भरे हुए रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसका फंक्शन क्या होता है? इट कीप्स द सेल क्लीन। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कीप्स द सेल क्लीन। कैसे साफ रखता है सेल को ये? बाय डाइजेस्टिंग किस किस चीज को ये डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। पहली बात, फॉरेन मटेरियल, कोई बाहर की चीज़ ही अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना, तो फॉरेन मटेरियल को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। सेकेंड, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, कोई सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं, ठीक है ना, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा ये। अच्छा, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का नाम बता सकते हो जो सेल में घुस जाते हैं? बैक्टीरिया, खाना, फूड को भी क्या करता है ये, मैं डाइजेस्ट कर देता ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। अब इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? इनकी जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये इनके जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या करते हैं, किसी किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब सेल का पूरा मैकेनिज्म ही क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है ना। जब सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ही क्या होता है, बिगड़ जाता है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन द सेल मेटाबॉलिज्म, इन द सेल मेटाबॉलिज्म, जब सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लाइजोजोम्स बर्स्ट, लाइजोजोम्स बस, ठीक है, करते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट एंजाइम्स वॉर्न आउट सेल्स डिस्टर्बेंस, एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, अपने सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो बहुत ध्यान से देखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस होती है, जितनी भी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है ना। बहुत बढ़िया, वो सारी एटीपी जो भी एनर्जी रिलीज करता है वो कहाँ से निकल कर आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से निकल कर आती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको पावर हाउस ऑफ द क्यों सेल क्यों बोलते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्या, कि ये क्या करता है, इट रिलीजेस एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है ना। बाय certain chemical reaction, by certain chemical reactions, तो कुछ chemical reactions ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, energy release होती है, और इस तरह की chemical reactions कहाँ होती है, mitochondria में होती है, और इसलिए जो mitochondria होता है वो किस काम आता है, energy release में काम आता है, और इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, power house of the cell कहते हैं।
आई बात समझ में। और ये जो एटीपी होता है, ये जो एटीपी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई बात समझ में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, ये एक लेयर बाहर वाली और दूसरी वाली ऐसी अंदर, जो बहुत ज्यादा डीपली क्या होती है, फोल्डेड होती है, विच इज डीपली आउटर फोल्डेड। लेयर पोरस रहती है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। तो हम लोग जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं सबसे पहली बात, इट इज अ डबल लेयर्ड ए का क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। बाद में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन मतलब क्या, इसके अंदर दो लेयर होगी। जो आउटर लेयर होगी वो कैसी होगी, स्मूथ। जो आउटर लेयर होगी वो कैसी होगी, स्मूथ। ठीक है, तो इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्योंकि डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है तो इसका जो आउटर लेयर होता है वो स्मूथ होता है। आउटर लेयर इज स्मूथ एंड हैज पोर्स। और जो इनर लेयर होती है, जो इनर लेयर रहती है वो डीपली फोल्डेड होती है। देखा हमने कितने सारे पोर्स हैं, यहाँ 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 यहाँ। तो इनर लेयर रहती है कैसे रहती है, डीपली फोल्डेड रहती है। कैसी रहती है, डीपली फोल्डेड। क्यों रहती है ये डीपली फोल्डेड, ये इसलिए रहती है डीपली, प्रोवाइड टू, बहुत बढ़िया, टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, एरिया बना सके एटीपी के लिए। टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस, फॉर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस। तो जिन रिएक्शंस में एटीपी प्रोड्यूस होता है उसमें ये क्या करती है, उन रिएक्शंस पे लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइजोसोम्स होते हैं, यानी कि ये अपने प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स अपने खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, it has its own DNA and ribosome, it has its own DNA and ribosomes. Thank you, God will bless you.